हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टी गेमर्स। आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। नहीं यार, आज हम माइनक्राफ्ट नहीं खेलने वाले, आज होने वाले हैं हमारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का टूर। तो चलो पहले मैं अपना पुराना वर्ल्ड दिखा देता हूँ। ये अपनी दुनिया जो दिख रहा है ना, ये मेरा पुराना वर्ल्ड है, देखो ज़रा। चालू हो रहा है हमारा वर्ल्ड, देखो भाई हमारा वर्ल्ड चालू हो चुका है। ये भी है जंगल बायोम, और इसके बाद इसके अंदर मैं एक भी बार क्रिएटिव नहीं हुआ कुछ भी। और ये देखो ये टेंपल, इसके अंदर डायमंड था, अंदर तो नहीं जाऊंगा मैं। ये है डायनासोर जो मैं बनाया था, और वो है मेरा पोर्टल। ये है मेरा डायनासोर, अच्छे दिख रहे हैं ना, कमेंट कर बताना डायनासोर कैसा लगा। और वो है मेरी प्रैक्टिस की जगह है वो। नहीं, पहले मैं अपना आपको अपना घर दिखा देता हूँ। ये मेरा छोटा सा स्विमिंग पूल नहीं है वो, घटिया बहुत। ये घर के अंदर अब मैं रहता नहीं, तो आप बोलेंगे क्या बोलते, तो बनाए क्यों यार। मैं पहले इसके अंदर रहता था लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा। ये देखो, इसको डेकोरेट और कर सकता हूँ मैं, लेकिन अभी कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर नहीं रहना है। ये ट्री हाउस, तो आपको भी मालूम है ट्री हाउस है उसे। हाँ, हम वाटर बकेट ट्रिक भी करने वाले हैं। अंदर का दिखा देते हैं, यहाँ का कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पर चेस्ट है जो मेरा पहला रूम था उसके ऊपर मैं बनाया हूँ। ये भी उतना खास नहीं है, लेकिन जो अब रूम ऊपर जाकर आपको दिखाऊंगा ना, वो एक नंबर है। देखो ये चेस्ट के, मतलब ये बैरल के अंदर क्या है इसके, और ये ऐसी आलतू फालतू चेस्ट है, खेती बाड़ी, मतलब क्या बोलते हैं उसको। यहाँ से भी एक नंबर। ये देखो भाई कितना लंबा टावर है। ये भी हमारी गैलरी है, और यहाँ पर है हमारा ज़बरदस्त वाला रूम। वैसे अभी उतना खास नहीं है क्योंकि मैं यहाँ से बुक शेल्फ वगैरह तोड़ दिया था। ये हिस्से पे बुक शेल्फ थी, हमारे इंचांटमेंट टेबल था, लेकिन जगह एडजस्ट नहीं हुई इसकी वजह से मैं उसको हटा दिया। ये देखो हमारा रूम डेकोरेट करो मैं यार। अगर से गेम प्लेयर कीड़े देख रहे हैं ना, तो इसको ही देख के समझ जाना कि मेरी डेकोरेशन कैसी है। वैसे ये तो बहुत मतलब नीचे है, मैं तो उसके ऊपर से आप कूद के बताऊंगा। MLG में तो मैं मास्टर हूँ, लेकिन भाई अंदर से देखना, मैं बहुत मेहनत से डेकोरेट करूँ। अच्छा नहीं भी लगा ना तो बोलना OP हाउस, मैं डेकोरेट करूँ भाई। ये कॉबल स्टोन ये सब चीज़ें हाउस में बेकार लगती है, लेकिन मैं ऐसा डेकोरेट करूँ कि इससे और लुक अच्छी आ रही है। ट्री नहीं है, मैं लगाया। इस चेस्ट के अंदर हमारा बेकार सामान पड़े रहते हैं। और इस रूम को देखो भाई, ये सबसे ज़बरदस्त लगता है ये डेकोरेशन नीचे वाली। ये देखो ऊपर, यहाँ पर है हमारा प्यारा सा बेडरूम, और ये हमारी वीट अच्छी लगती है घर में, आपको भी रखना चाहिए। एकदम ताज़ी ताज़ी हवा यहाँ से आती है, देखो मैं ऐसे लेता हूँ। इसके अंदर भी इंक है। हाँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं बेशन गया था मुझे ये सब सामान मिला था, 8 ब्लॉक ऑफ गोल्ड। अरे मेरे ऊपर प्लेजर्स ने हमला किया था, मतलब रेड नहीं हुई थी क्योंकि मेरे पास विलेजर नहीं है। जल्दी यहाँ पे ला लूँगा, जब लाऊँगा तो आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और यहाँ पे मैं अपना चेस्ट रूम बनाने वाला हूँ, आगे आपको सब मालूम चलेंगे। ये है हमारी खेती की डेकोरेशन देखो। और यहाँ से आओ, ये ऊपर आती है, ये एकदम चिलिंग एरिया, यहाँ पे पढ़ लो चिलिंग एरिया, एकदम मज़े करने वाली जगह भाई। ये इतनी खूबसूरत लगती है मुझे, यहाँ पर मैं बैठ के मस्त अपने सिंहासन पे मस्त करता हूँ मैं फिशिंग। यार मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, मुझे कुछ खास आ रहे नहीं, सिर्फ एक फिश पकड़ूँ मैं अभी तक। ओ भाई, मुझे तो क्या बोलते वर्ल्ड टूर कराना है ना, तो सॉरी भाई मैं भूल गया था। तो इसको करो सेव एंड क्विट। यह अपनी दुनिया भाई, ये बताने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा।
रात हो रखी है यहाँ पे, सो जाता हूँ पेड़ में। इसके अंदर कुछ खास नहीं है क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं है। 4 डायमंड हमें मिला था और वुड भी है, लेपिस है, और ये अननोन मैप है। बाय बाय। अब मैं आपको बताता हूँ अपना पहला सर्वाइवल वर्ल्ड जो मैं महीने भर से छोड़ चुका हूँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से, वो आपको मैं बताता हूँ। इसका नाम है वर्ल्ड। ये देखो ये भाई, ये आप सोच रहे होंगे ये कहाँ है, ये है हम अपनी माइंड में, मतलब मेरी माइंड। आप सोच रहे होंगे बस इतनी लंबी, अभी रुको, ये एंड है इस माइंड का, इस माइंड का एंड है, मतलब ये माइंड है। अभी आपको पूरी माइंड दिखाता हूँ, आप घूमते घूमते यहाँ से मेरी कुछ टनल्स करी है इधर, यहाँ से भी मुझे डायमंड मिले हैं। 3 ब्लॉक छोड़ के इसके अंदर जिस तरह मैं करता हूँ ना वो वीडियो तो भाई देखो तो ज़रा, इस माइंड का एंड तक नहीं दिख रहा है हमें। ये देखो ये है मेरा कैसल, पीछे देखो भाई, ये सब मैं सर्वाइवल में बनाया हूँ। और ये है मेरा एक्सपी फार्म जो काम नहीं करता बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं करता। इसको मैं बना ही रहा था तो तब मुझे आइडिया है कि नया वर्ल्ड बनाना चाहिए, तो मैं ये वर्ल्ड बंद कर दिया। अगर से हम यहाँ जाते हैं नीचे तो यहाँ पर है हमारा मतलब कैसल के अंदर सेट का, ये ऊपर का मैं बस चेंज कर ही रहा था तब मैं ये वर्ल्ड बंद कर दी। फिर इसके अंदर आयरन गोलम भी है, अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि कुछ विलेजर्स बाहर आ जाएंगे। विलेजर्स है ये देखो, ओ भाई विलेजर्स गायब, हाय हाय हाय। लेकिन भाई पहले मेरे पास बहुत विलेजर थे। और ये आ जाते हम ऊपर, यहाँ पर है मेरा रूम, ये है मेरी सुबह घूमने फिरने का इलाका, यहीं घुमा फिरा करता हूँ मैं। अननोन मैप क्या है भाई ये देखो भाई, इतनी इतनी सारी है ना। और ये देखो ये सब फिशिंग से मिली है मुझे, नेम टैग। सैडल कहाँ है भाई मेरी? और ये देखो एकदम खतरनाक नेदरराइट वाला आर्मर, पुराने के चक्कर में था नेदरराइट स्वॉर्ड पर। ये दिखा, अब बोलेंगे यार ये तो साफ साफ दिख रहा है, देखो ये सैंडल, ये सैंडल। लेकिन ये देखो ये यहाँ पर है हमारा सीक्रेट, ये है नेदरराइट स्क्रैप, ये है इफिशियंसी। ये सब जो एमरल्ड देख रहे हो ना, ये मेरे को माइनिंग से मिला है। सोचो मैं कितना प्रो बन रहा हूँ इसके अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अरे सो गया भाई, मैं तो रिस्पॉन पॉइंट सेट कर रहा था। और हाँ पहले सॉरी मैं डेकोरेशन दिखाना भूल गया। ये देखो इस रूम की डेकोरेशन, जच रहे ना गेम्बलर की वैसी हार गए तो हाँ देख ले देख ले, सीखो मेरे से सीखो नहीं।